यहाँ आने के बाद तो मुझे रूम ढूंढने में प्रॉब्लम हुई. जैसे ही पता चलता था यार मुस्लिम है, तो वो एडवांस लेकर रिटर्न कर देते थे. ये मेरा कुरान है और मैं इसी रूम में नमाज़ पढ़ लेता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ सुबह सुबह. और वो जो मेरे पार्टनर साहब हैं वो सरस्वती जी की मूर्ति है, उनके पूजा करते हैं. पहले ये धारणा थी कि यहाँ से मुस्लिम को भगाया जाए. जूझना है, मुस्लिम है तो जाने देते हैं, क्या करें, सहना पड़ जाता है. ये वाला रोड अच्छा रहेगा और दूसरा सर्कल ये तमिलनाडु दी काव्या अते उत्तर प्रदेश दे गाजीपुर दी नूर फातिमा खान हन. काव्या अते नूर BHU बनारस तो फाइन आर्ट्स विच मास्टर कर रही ने. दोवे कैंपस विच PG गर्ल्स होस्टल विच रूममेट भी ने. नूर नु समझ नहीं आ रहा सी कि उसकी रूममेट तमिल भाषा विच अपनी माँ नाल गल करदिया होया उसका नाम वार वार क्यों लै रही सी. नूर नु महसूस होया कि कुछ गड़बड़ है. नूर का मतलब तमिल में 100 होता है, नंबर है. तो ये जब मैं घर पे बात करती थी शुरू पे, इसको लगता था इसको लेके मैं बात कर रही हूँ. कैश के बारे में 500 को बोलता है आई नूर, यार नूर, यल नूर. जब मैं पहली बार हॉस्टल शिफ्ट हुई थी इसके साथ, तो उसी रात ही अपने घर पे बात कर रही थी, तो इसने नूर बोला. और मेरे कान ऐसे खड़े हो गए थे कि मेरी क्या बुराई कर रही है, अभी तो एक दिन भी नहीं हुए. फिर इससे बताया कि नूर का मतलब 100 होता है. काव्या अते नूर वांग यूपी दे पदोही तो मनीष गौतम अते गाजीपुर तो मोहम्मद शाहिद भी BHU विच फाइन आर्ट्स दी पढ़ाई कर रहे ने. ए दोवें भी रूममेट ने. मनीष एक दलित है अते उसके पिता एक दर्जी ने. शाहिद दे पिता राजमिस्त्री ने. हुणे ही शाहिद ने मनीष दे पिता नू फोन ते समझाया कि वो अपने बेटे दी पढ़ाई ना छुड़वाउण. बात किए तो बोले कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और घर की खर्चा पानी देखो. पैसे दो घर पे, माता जी का तबीयत खराब है, भाई का भी, भाई भी इनका ना मतलब ज़्यादा वो करते हैं, मत पढ़ो मत पढ़ो. तो मैं बोलता हूँ कि पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है. तुम इनके पापा को समझाए? हाँ समझाए, अब वो डांट दिए तो मैं चुप हो गया. कि भारत विच धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नाल काव्या अते नूर दी दोस्ती नू जूझना पै रहा है. कि मोहम्मद शाहिद अते मनीष गौतम दे रिश्ते विच चुनौतियां वधियां ने. नूर नू मुसलमान होण दे कारण वितकरे दा सामना करना पिया, तां काव्या ने इस नू किवें सांभिया. एक बार इसने बोला कि घर हमें मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, तो वो थोड़ा सा इनको घर ढूंढने में दिक्कत होती है. तो इनको लगता है यार मुस्लिम्स को इतना जल्दी घर नहीं मिलता, वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता था. तो फिर मैंने सोचा कि एक टाइम पे मेरा भी वो था, दिल्ली पे हमें भी नहीं मिलती थी, क्योंकि हिंदूज में ज़्यादातर हमारे साउथ में मैक्सिमम 90% लोग नॉनवेज खाते हैं. जब घर ढूंढना होता था दिल्ली में तो ज़्यादातर वेजिटेरियंस थे. तो हमें लगता था यार कितना फिर रेस्ट्रिक्शंस होते थे, नॉनवेज मना करते थे, आपको नॉनवेज नहीं खाना है तो मिल जाएगा. तो मैंने इसको बोला यार हमें भी ये प्रॉब्लम है, सिर्फ मुस्लिम का नहीं, तो नॉर्मल ये रिलीजियस वे पे ना देख के. शाहिद ने भी मजहबी नफरत का एक किस्सा साझा किया. मेरे गांव में एक बार हुआ था घटना, मस्जिद में घुस करके रमज़ान में, और मेरे जो नमाज पढ़ रहे थे बुज़ुर्ग लोग, उनको बदतमीज़ी की गई, कपड़े फाड़ दिए गए और रंग डाल दिए गए, पूरा पूरा मस्जिद में रंग छिड़क दिया गया. तो कई लोग हैं गर्म मिजाज के भी होते हैं, तो उन्होंने लोग एक्शन लेने की प्रयास की. तो बुज़ुर्ग लोग जो पहले के हैं हमारे गांव में, बोले कि नहीं छोड़ दो, जो किया है वो भुगतेगा, खुदा पे छोड़ देते हैं ना. मुस्लिम क्या है, मुस्लिम में है कि आप नरमी से रहिए, कोई बोल रहा है तो आप चुप रहिए, थोड़ा सा मतलब आसानी तरीके से आप उसको सलटा दीजिए. एक पासे काव्या नूर नू भरोसा दवाउंदी रही, तां उथे ही दूजे पासे मनीष गौतम नू लगदा सी कि भारत नू मुसलमाना नू बाहर कट देना चाहिदा है. पहले ये धारणा थी कि यहाँ से मुस्लिम को भगाया जाए. हाँ ऐसा मैं सोचता था, क्योंकि पहले बहुत सुना कि दंगा होता था, मुस्लिमों से बीच में दंगा होता था. अभी राम मंदिर बना था उसमें भी सुन रहे थे कि दंगे हुए थे, तो उसके वजह से सोचा था कि मुस्लिम यहाँ पे बेकार है, तो इनके सबको मार के भगाया जाए. भारत को पाकिस्तान को बांटा गया था, उसी समय ही हटा दिए तो अच्छा होता, मैं ये सोचता था पहले.
कि खामखा ये मुस्लिम यहाँ इंडिया में आ गए, जब से इसको इससे मुलाकात नहीं हुई थी तब, जब मैं मुस्लिम के साथ नहीं रहता था, लेकिन अब मैं मुस्लिम के साथ रहता हूँ, जानता हूँ, इसके घर भी गया था मैं, इसके घर भी गया, वहाँ पे जाना पहचाना कैसे रहते हैं कैसे नहीं, कैसे हिंदुओं के प्रति क्या व्यवहार है, कैसे सब चीज़ मुझे नॉर्मल पता चला कि हाँ मुस्लिम लोग भी हिंदू लोग को अच्छी तरह से मानते हैं। ये सारा क्रेडिट मेरे साहित को जाता है, इसके वजह से बहुत इस्लाम के बारे में जाना पहचाना, सब दोस्ती का मतलब समझाना कि दोस्ती का मतलब क्या होता है, साथ में कैसे रहते हैं लोग और कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मुझे प्रॉब्लम है तो ये मैनेज करता है, इसको प्रॉब्लम है तो मैं मैनेज करता हूँ। नूर BHU कैंपस का एक किस्सा सुनाउंदी है। एक बार हुआ था कि मैं मंदिर गई हुई थी तो उन्होंने बोला कि यहाँ से चली जाओ, तो मैंने उनसे पूछा मुझे यहाँ से क्यों जाना है, मैं तो बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें अपने नकाब उतारने होंगे, यहाँ तो चले जाओ यहाँ से। तो मैंने बोला मैं नकाब तो नहीं उतारूँगी, और किसने कहा कि मैं नकाब उतार के मंदिर में बैठ सकती हूँ, ऐसे नहीं बैठ सकती। तो उन्होंने कहा कि बोर्ड लगी हुई है कि बुरखे में यहाँ पर नहीं लोग रख सकते। तो मैं वहाँ से, क्योंकि दो दिन बाद ही मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं वहाँ से निकल गई। लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे वो हिंदू थे, और वो लोग उनसे फाइट किए कि वो क्यों यहाँ नहीं बैठ सकते और उसे हिजाब उतारना ही क्यों है। शाहिद गाजीपुर दे गैमर पिंड दा रहण वाला है। इत्थे ज्यादातर गिनती ठाकुर परिवारां दी है अते इत्थे सैकड़े लोग फौज विच वी ने। शाहिद नूं अज वी एक साल पहला दा ओ थप्पड़ याद है जो उसनूं बेवजह मारिया गया सी। जब मैं इलाहाबाद से आया था ना छुट्टी पे, तो मैं मेरे कुछ दोस्त लोग थे, दोस्त लोग नहीं है लेकिन हैं, दोस्त ही हैं, मोहल्ले के हैं। तो मैं बैठा था, तो एक जमींदार थे, उनके लड़का था, तो बोले ना कि इन लोग क्या लिए हो, ये खुद कुछ करके खा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे। तो मैं बोला हाँ हम लोग क्यों नहीं कर सकते, क्यों हमारे घर पे पढ़ नहीं रहे। तो मुझे एक झापड़ मारे बढ़िया से, तो एक तरह से क्या है, जूझना ही तो है हम लोगों से, तो जूझना है, मुस्लिम है तो जाने देते हैं, क्या करें, सहना पड़ जाता है। तो मैं बोला कि अब इनको कुछ तो करना ही है। तो मैं एक साल गैप हुआ और पढ़ा, अच्छा खासा पढ़ने लगा, तो BHU में आया और मुझे वो करके दिखाना है ताकि सबकी मूड़ी नीचे हो जाए। मनीष अते शाहिद दी दोस्ती विच मजहब कोई रुकावट नहीं है। ये मेरा कुरान है और मैं इसी रूम में नमाज पढ़ लेता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ सुबह सुबह। और वो जो मेरे पार्टनर साहब हैं वो सरस्वती जी की मूर्ति है, उनके पूजा करते हैं, मानते भी हैं। और उन्होंने एक इतना वो है मोहब्बत की वैक्स से मूर्ति बनाई, आप देख सकते हैं वहाँ पे है। इतनी छोटी उम्र में मोहम्मद शाहिद की समझदारी कई बार चौंकाती है। करीब 20 साल के मोहम्मद शाहिद ऐसी बातें करते हैं मानो अपने समय से काफ़ी आगे हैं, या वक्त ने उन्हें समझदार बनने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यह समझदारी मनीष के भीतर क्यों नहीं थी? मनीष के मन में एक समुदाय के प्रति इतनी कड़वाहट कहाँ से आई? दान और सहयोग करना चाहते हो? हिंदू है उत्तर भारत का, हिंदी उर्दू क्षेत्र का, वो उसने सार्वजनिक जगहों को ज़्यादा अपने प्रदर्शन के लिए चुना है, तो मुसलमान उसके 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 समानांतर वो अपनी आंतरिक संहिता में ज़्यादा सिकुड़ा है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी मुसलमानों में, भारत की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं के प्रति एक स्वाभाविक जो विश्वास था वो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म होने की प्रक्रिया में है। इसके कारण उनके भीतर ये समझदारी आई है कि उन्हें सिर्फ अपने पर भरोसा करना है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों में अनेक शहरों में अनेक तरह की ऐसी घटनाएं घटी हैं कि यदि हम 90 के पहले होते तो वहां उन जगहों पर दंगे होते, लेकिन तमाम उकसाने के बावजूद दंगे नहीं हो रहे हैं। ये उस संयत भाव का प्रदर्शन है जिसमें लगातार मुसलमान उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिसके पीछे मूलतः एक गहरा अविश्वास है। काव्या अते नूर फातिमा खान दी दोस्ती औखे समय विच होर भी डूंगी हुंदी गई। दोवां नूं साइकल चलाउणा नहीं आउंदा सी, पर दोवां ने एक दूजे नूं साइकल चलाउणा सिखाया। दोवां नूं लगदा है कि जेकर ओह एक दूजे नूं ना मिलियां हुंदियां तां उहनां दे अंदर दा मनुख थोड़ा नीवा ही रह जांदा। ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਵਿਆ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਵਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂਰ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
किनारा ये चंचल हवा।